अगर आप एटीएम से पैसा निकालने गए और एटीएम घर पर ही भूल गए, ऐसे में आप एटीएम मशीन से पैसे कैसे निकालेंगे? बड़ा सवाल है। अब आप सोचेंगे कि आपको घर वापस जाना पड़ेगा, तो देखिए आपको घर वापस जाने की एकदम जरूरत नहीं है। एक वक्त था जब एटीएम मशीन से पैसा निकालने के लिए डेबिट कार्ड की जरूरत होती थी, लेकिन अब ये बात पुरानी हो गई है। आप एटीएम कार्ड के बिना भी एटीएम मशीन से पैसा निकाल सकते हैं। तो अगर आप अभी तक उस पुराने तरीके से ही पैसे निकाल रहे हैं तो आपको जरूरत है अपग्रेड होने की। कई बैंक तो काफी पहले से ही बिना कार्ड के पैसे निकालने का ऑप्शन दे रहे थे, लेकिन फिर रिजर्व बैंक ने इसका दायरा बढ़ा दिया था, जिसके बाद सभी बैंक्स कार्डलेस के इस्तेमाल से ही पैसे विड्रॉ करने की फैसिलिटी दे रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि आप कैसे बिना कार्ड के एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। बिना डेबिट कार्ड के एटीएम से पैसा निकालने की सुविधा देने के लिए रिजर्व बैंक ने एनपीसीआई, एटीएम नेटवर्क और बैंकों को अलग अलग निर्देश जारी किए हैं। इस सुविधा के लिए यूपीआई का इस्तेमाल किया जाता है। यूपीआई के जरिए ग्राहकों की पहचान की जाती है, जबकि ऐसे ट्रांजैक्शन का निपटान एटीएम नेटवर्क के जरिए ही होता है। बिना डेबिट कार्ड के एटीएम से पैसे निकालने के लिए आपके पास स्मार्टफोन होना जरूरी है, जो अमूमन आपके पास हर वक्त होता है, जिसमें कोई यूपीआई इनेबल्ड ऐप जैसे भीम, पेटीएम, जीपे, फोन पे आदि का होना जरूरी है। अब आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि यूपीआई और आपके स्मार्टफोन की मदद से आप एटीएम से पैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले एटीएम पर जाएं और उसमें बिना कार्ड के पैसे निकालने का ऑप्शन चुनें। उसमें आपको यूपीआई के जरिए पहचान देने का ऑप्शन होगा। स्टेट बैंक में क्यूआर कैश आपको वहां दिखाई देगा। अपने मोबाइल में यूपीआई ऐप को आप ओपन कर लीजिए और सामने दिख रहे क्यूआर कोड को आप अब स्कैन करें। यूपीआई के जरिए आपका ऑथेंटिकेशन हो जाएगा और उसके बाद आप पैसे विड्रॉ कर पाएंगे। अब आगे का प्रोसेस एकदम वैसा ही है। आपको जितने पैसे चाहिए वो आपको रकम वहां पर डालनी होगी और पैसे निकल जाएंगे। आप इस तरीके से 5,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। अब आपको जाते जाते इसके फायदे भी बता देते हैं। देखिए, बिना कार्ड के एटीएम से पैसे निकाल की सुविधा बहुत ही फायदेमंद है। बिना कार्ड के नकदी निकासी की सुविधा से कार्ड स्किमिंग, कार्ड क्लोनिंग जैसी धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलती है। वहीं आपको अपने साथ कार्ड हर वक्त कैरी करने की भी जरूरत नहीं है। ये सारा काम आपका स्मार्टफोन ही कर देगा, जो आजकल लगभग हर किसी के पास होता ही है। वर्तमान में देश के कुछ ही बैंकों की तरफ से एटीएम के जरिए कार्डलेस विड्रॉल की सुविधा दी जा रही थी, लेकिन अब ये ऑलमोस्ट हर बैंक ये सुविधा दे रहे हैं। ये सुविधा भी ग्राहकों को तभी मिलती है जब वो रिलेटेड बैंक के एटीएम का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए क्यूआर कोड का इस्तेमाल हो रहा है, जिसे कॉपी नहीं किया जा सकता। ये लगातार बदलता रहता है, जिसे धोखाधड़ी की घटनाएं कम हो रही हैं। तो यानी कि अब आपको खुद को अपग्रेड करने की जरूरत है और आप अपने स्मार्टफोन के जरिए ही एटीएम की मशीन से पैसे निकाल सकते हैं। आपको ये जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।